अगर आप अपने साधन को बढ़ाना चाहते हैं, 2 मिनट एकाग्र होइए, आचार्य गुरुदेव इष्ट के चरणों में प्रणाम कीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए। हे वृंदावन धाम, हे श्री राधा वल्लभ लाल, हे आचार्य, हे गुरुदेव, मुझ अज्ञानी के द्वारा शारीरिक, मानसिक या वाचिक जो भी अपराध बना हो, कृपा करके या प्रायश्चित करवा दीजिए या क्षमा कर दीजिए। रोज प्रार्थना कीजिए रात्रि में शयन के समय। गुरुदेव की कृपा से, आचार्य की कृपा से यदि दिन में कोई अपराध में वृत्ति उसी समय जलन होगी और वो सामने आ जाएगी। देखना, उसी समय आपके हृदय में जलन होगी, वो बात आ जाएगी। बस समझ लेना यहाँ अपराध बन गया है। रोज जांच करते रहो, आज कौन सी त्रुटि हुई, कल प्रातःकालीन से नियम लो कि वो त्रुटि अब जीवन में ना हो। फिर हो जाए, फिर भी निराश मत हो, फिर नियम लो कि वो त्रुटि नहीं करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप निरपराध हो जाओगे। रोज रात्रि में शयन के समय सब विश्व ब्रह्मांड के संतों से क्षमा मांगनी चाहिए। व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों, जो शारीरिक मानसिक वाचिक अपराध मुझे अधम से बन गया हो, क्षमा करो और हमें सद्बुद्धि प्रदान करो, जिससे हम प्रभु की आराधना में आगे बढ़े। रोज प्रायश्चित की तरह ये प्रार्थना करो कि जाने अनजाने में जो भी व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों का अपराध बन गया हो, इसे बहुत लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं हम देहाभिमानी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष बुद्धि कर बैठते हैं, भले ना बोले पर अंदर से कर बैठते हैं। तो रात्रि के शयन के समय हम ये सुधार करें।